जयपुर में गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने 21 मई से डिलीवरी बंद करने का ऐलान किया। प्रदेश सरकार के निर्देश के बावजूद एलपीजी वितरण में लगे कार्मिकों के प्राथमिकता से टीकाकरण नहीं होने से नाराजगी है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने जयपुर सीएमएचओ से कई बार आग्रह किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में कर्मचारियों ने बिना टीके लगे ग्राहकों के घरों पर जाने से मना कर दिया है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने ये जानकारी दी। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने। जैसा आप सभी को ज्ञात है, पिछले एक वर्ष से राज्य में कोविड महामारी का जो है प्रकोप चरम सीमा पे है। ऐसे में एलपीजी के होकर्स निरंतर हफ्ते में सातों दिन कार्य कर रहे हैं और डोर टू डोर सभी ग्राहकों के घर पे सिलेंडर का वितरण का कार्य कर रहे हैं। जयपुर सीएमएचओ से भी हम लोगों ने कई बार आग्रह किया है कि सर कैंप लगाकर यहाँ भी जो है कोविड के करीब 25% राज्य के जो मरीज हैं वो जयपुर में ही हैं, अतः प्राथमिकता से टीकाकरण किया जाए, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हॉकर्स ने डोर टू डोर होम डिलीवरी करने के लिए भी मना कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने और सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर। आपको बता दें, जयपुर में गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने 21 मई से डिलीवरी बंद करने का ऐलान किया है और वहीं प्रदेश सरकार के निर्देश के बावजूद एलपीजी वितरण में लगे कार्मिकों के प्राथमिकता से टीकाकरण नहीं होने से ये नाराजगी है और इसी को लेकर ये ऐलान किया गया है कि 21 मई से एलपीजी की डिलीवरी जो है वो बंद होगी। तो वहीं गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का ये बड़ा ऐलान कार्मिकों के टीकाकरण नहीं होने से नाराजगी है और साफ तौर पर इस नाराजगी के चलते ही ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 21 मई से डिलीवरी जो है होम डिलीवरी वो नहीं करेंगे गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। तो ऐसे में बड़ी खबर और सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर, अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ आगे फैसला आता है, क्या टीकाकरण जो है प्रभावी तौर से किया जाता है इन सभी कार्मिकों का, ताकि ये जो सेवाएं हैं वो बाधित ना हो, क्योंकि एलपीजी घर घर की जरूरत है। तो वहीं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ने जयपुर सीएमएचओ से भी कई बार आग्रह किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ा ऐलान इनकी तरफ से किया गया, क्योंकि पहले भी कई बार जयपुर सीएमएचओ से, जैसा कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि कई बार आग्रह किया गया सीएमएचओ से जयपुर के, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। तो ऐसे में यहां पर बड़ा ऐलान, तो ऐसे में कर्मचारियों ने बिना टीके लगे ग्राहकों के घरों पर जाने से साफ तौर पर मना कर दिया है कि जब तक उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी तब तक वो घरों पर होम डिलीवरी के लिए एलपीजी गैस लेकर नहीं जाएंगे। और गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने ये पूरी जानकारी दी है। तो बड़ी और अहम खबर और सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर इस वक्त आपको बता रहे, जयपुर में गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने 21 मई से डिलीवरी बंद करने का ऐलान किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्मल, जानना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार के निर्देश के बावजूद एलपीजी वितरण में लगे कार्मिकों के प्राथमिकता से टीकाकरण क्यों नहीं किए गए? देखिए आयुषी, कहीं ना कहीं कोविड को जो माहौल है उसको लेकर गफलत की स्थितियां जरूर हैं। राज्य सरकार ने इसलिए भी ये निर्देश दिए थे, खासकर डिलीवरी मैन जो गैस को डिलीवरी करते हैं होम डिलीवरी, क्योंकि उनका हर घर में जाना होता है। कई घरों में ऐसे ही खुद जाकर के वो सिलेंडर फिट करते हैं और दूसरा सिलेंडर निकालते हैं। ऐसे में उनको ज्यादा जरूरत है उनको कि उनके कोविड का उनका वैक्सीनेशन हो, ताकि जिन घरों में वो डिलीवरी देने आते हैं उनको भी दिक्कत ना हो और इनको भी ना हो। क्योंकि पिछले काफी दिनों से देखने में आया था कुछ डिलीवरी मैन पॉजिटिव हो गए थे, कुछ ऐसे घरों में भी गए कि वो घर जहाँ जो जिन घरों में सिलेंडर लगाने गए वो लोग संक्रमित थे। इस पूरे मामले में जब गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने जब पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, तो राज्य सरकार ने भी प्राथमिकता से आदेश दिए थे, जिला कलेक्टर्स को कहा था कि भाई डिलीवरी मैन जितने भी हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन कराया जाए, लेकिन सीएमएचओ के स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं उदासीनता बरती गई, लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा ये रहा कि आज गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जो महासचिव है कार्तिकेय गौड़, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 21 मई से वो राजधानी जयपुर के अंदर गैस की होम डिलीवरी बंद कर देंगे। और होम डिलीवरी अगर गैस की 21 तारीख से बंद कर दी जाती है तो कोविड के दौर में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल उन्होंने चेतावनी के स्तर पर इसको कहा है, अगर 21 तारीख से पहले इनका टीकाकरण कर दिया गया जितना भी डिलीवरी मैन है, तो वो अपना इस जो इन्होंने घोषणा की उसको वापस भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर 21 तारीख से पहले टीकाकरण नहीं किया गया तो 21 तारीख से राजधानी जयपुर के अंदर, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है, उसमें गैस की होम डिलीवरी बंद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।